ओके, आइए रुकिए और समझिए। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। बात करेंगे एंचोर एप्लीकेशन के बारे में। तीन ऐसे टॉपिक में हम इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। फर्स्ट वीडियोज़ जो कि इसके अकाउंट से रिलेटेड, इसके जानकारी के बारे में, पॉडकास्ट क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन, या फिर चैनल को फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो हम पहले बात कर लेते हैं पेमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में पहले भी जानकारी दिया है कि कैसे अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नए यूजर भी हैं, नए क्रिएटर हैं, तो भी आपका अर्निंग पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं, कितना लिसनर है। आप वहाँ पर ऑडियो अपलोड कीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है जी, ये तो बात की बात हो गई। सेकेंड जो पेमेंट का प्रोसेस है वो है आपका स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप जैसे किसी का प्रचार कर दीजिए, एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए कोई कंपनी। हाँ, स्पॉन्सरशिप के लिए आपको आपके पास फॉलोअर्स होना चाहिए, आपके पास लिसनर भर भर के आना चाहिए। और थर्ड है वो है डोनेशन। जो लिसनर लोग हैं वो आपको कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे ताकि उनका कमेंट ऊपर आ सके और इस तरह से आप वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड तरीका है। ठीक है जी, अब बात करें कि आप पेमेंट कैसे ले सकते हैं। तो पेमेंट के लिए आपका पेपाल अकाउंट मेरे अनुसार और बहुत बेस्ट है। ठीक है जी, जो कि मैं क्वोरा से पेमेंट लेने के लिए यूज करता हूँ इंटरनेशनल के लिए। और हाँ, आप याद रखिएगा कि पेपल पर जब अकाउंट बनाइएगा ना, तो आप वहाँ पर बिजनेस अकाउंट बनाइएगा। ठीक है जी, इंडिविजुअल मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसा नहीं बनाते हैं तो आप सिर्फ पेमेंट दे सकते हैं, ले नहीं सकते। बिजनेस वाला अकाउंट बनाइएगा तो आप ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। मुझसे ये गलती हो गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करें तो सेकेंड है अपलोडिंग के बारे में। तो अपलोडिंग के बारे में तो मैं आपको स्क्रीनशॉट की मदद से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है जी, अपलोड के लिए तो मैं सिंपल सा कुछ बता दे रहा हूं, बाकी मैं आपको लाइव थोड़ा देर के बाद बताने वाला हूं। जैसे कि आप इसी एप्लीकेशन की मदद से रिकॉर्ड कीजिए, उसी समय एडिटिंग वगैरह कर दीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दीजिए, तो इस तरह से आप वहाँ पर ऑडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करना भी थोड़ा मुश्किल सा है जी। अब थर्ड टॉपिक के बारे में बात करें तो ये मेरे अनुसार है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है इस पर हमको काम करने का? तो प्रॉफिट ये है कि अगर आप इस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपका 9 ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है जो पॉडकास्ट के लिए बेस्ट है, वहाँ पर आप अपने ऑडियो को, अपने कंटेंट को पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि गूगल हो गया, आपका पॉकेट FM हो गया, इस तरह का बहुत सारा ढेर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप यहाँ से एक तीर से 10 निशाना कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पॉडकास्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे कि खबरी एप्लीकेशन है जो आपका इंडियन एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको गिग की मदद से ज़्यादा मुनाफा होता है। गिग के मदद से आप एक विशेष तारीख को विशेष कंटेंट बनाकर, जो आपका टास्क दिया जाता है खबरी की तरफ से, उसे पूरा करते हैं तो आपको 500 रुपया, 30,000 रुपया अगर आप अव्वल आते हैं तो, ठीक है ना, तभी आपको अर्निंग होती है। अन्यथा माफ़ करिएगा, आपका फॉलोअर्स गेन करना होता है, लिसनर लाना होता है, तो उस तरीके से अर्निंग होती है। हाँ, हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, और आप भी मत भटकिएगा इस प्लेटफॉर्म से जल्द फॉलो कीजिए टकाक से मार करके ज्ञानी वा 28। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पर आप जब यहाँ पर अपलोड करिएगा तो कुछ इस तरह से आपको पेज ओपन होता है। आप अगर कुछ सुनना चाहते हैं, वैसे तो मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस कराया था इस एप्लीकेशन से, बशर्ते कुछ आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। कुछ देखिए, यहाँ से आप कुछ देख सकते हैं, कुछ भी सुन वगैरह सकते हैं। यहाँ से आप फ्रेंड के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे रुक रुक करके अगर आप बोलते हैं, दूसरा कोई बोलेगा, तीसरा बोलेगा, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने पहले वाला वीडियोस में बताया, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम प्रोफाइल पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मेरे पास इस तरह का ऑडियोज़ उपलब्ध है। यहां से देखिए टूल्स वगैरह हैं जो कि मेरे पास ऐसा कुछ है। तो यहां पर आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इस तरीके से आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग चालू करिएगा, ओके, रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी में जा करके यहां पर इम्पोर्ट कीजिएगा। ठीक है जी, इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होने वाला है। देखिए, मेरे पास ऐसा कुछ है, और यहाँ से जाकर के आप आसानी से फ़ोन में हैं या फिर SD कार्ड में हैं, आपके पास कहाँ है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं।
और इस तरीके से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना होता है। अपलोड करते ही यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करना होता है, ठीक है। प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करके आप ऐड सेगमेंट पर टू एपिसोड करिएगा तो आपका ऐड हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आते ही यहाँ पर ये सारा जो ऑडियो है आपका जो है पब्लिश हो चुका है, ठीक है। और पब्लिश होते ही यहाँ पर आपका जितना भी कुछ आने वाला है, जितना भी कुछ लिसनर आने वाला है, उस हिसाब से आपको काम हो जाएगा। अगर आप बाद में से डिलीट भी करना चाहते हैं, गलत से मान लीजिए दूसरा ऑडियोज अपलोड हो गया, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया डिलीट, मैं बाद में उसे अपलोड कर दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, दे रखिए कर सकते हैं ना। यहाँ से आप बस जोड़ दीजिएगा, देखते हैं कौन सा उड़ा दिया है, मैंने फर्स्ट उड़ा दिया है कि सेकंड उड़ा दिया है। आपको समझाने के लिए कुछ करना पड़ता है दोस्त। हाँ, फर्स्ट उड़ा दिया है, तो फर्स्ट को मैंने, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और ऐड सेगमेंट में जो कि है आप अपग्रेड कर दीजिएगा तो आपका ऐड हो जाएगा और इस तरीके से आपका ऑडियो पब्लिश हो गया, ठीक है जी। यहाँ से मेरे पास है कि जो फैक्ट इज नॉलेज, इस तरीके से मैंने कितना ऑडियोज अपलोड कर दिया है, 1 2 3 4 चार ऑडियोज फिलहाल। मैं नया हूँ, आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। इस एप्लीकेशन को उतना यूज नहीं करता, लेकिन अब करूँगा क्योंकि अच्छा खासा अपडेट आया है, ठीक है जी। हाँ, जिधर फिर है उधर ही न फिरना पड़ेगा दोस्त। तो चलिए, ये थोड़ा मोड़ा जानकारी थी, आपको कैसा लगा? आप लोगों के कमेंट पर लाया था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे साथ इतना टाइम से स्पेंड किया। देखते हैं आगे आपका क्या रिव्यू रहता है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन, गुड लक।